नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज़ में। मैं इस समय मौजूद हूँ सारस मंडप पे और हमारे साथ मौजूद हैं अनिता बघेल जी, जो कि लाइवलीहुड की निदेशक और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में कार्यरत है। तो बताइए कि ग्रामीणों के विकास के लिए ये सारस मंडप किस तरह काम करता है। ये सारस मंडप हमने एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया हुआ है अपने गाँव के आर्टिजन्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, जो वहाँ पे एक महिलाओं का हम एक ग्रुप बनाते हैं और उन्हें डिफरेंट लाइवलीहुड में एंगेज करते हैं। उनके लिए एक डायरेक्ट मार्केटिंग का माध्यम ये सरस मंडप है। तो ग्रामीण कलाओं को किस तरह से प्रमोट किया जाता है, ये आपके माध्यम से या आपके मंत्रालय के माध्यम से? देखिए, हमारे गांव के बहुत ही जो गरीब लोग हैं, गरीब महिलाएँ हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार जो ग्रामीण क्षेत्र के किन कलाओं को सबसे ज़्यादा वरीयता दी गई है, किन कलाओं को हम इस सारस मंडप में प्राथमिकता दी है? इसमें हमने लगभग सभी तरह की कलाओं को प्राथमिकता दी है। हमने कोशिश की है कि हर राज्य की जो कलाएं हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित हों, और उसके अलावा भी जो हमारी महिलाएं जिस भी तरह की आजीविका के साधनों में कार्यरत हैं, उन सभी को यहाँ पर एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिले। चाहे वो मसाले की पैक करके बेच रही हो, या जैसे हमारे जो ऑर्गेनिक सामान है उसको भी यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय है जो और यहाँ पर है। इसके अलावा टेक्सटाइल हैं, साड़ियाँ हैं, विभिन्न तरह के उत्पाद हैं, जूट के हैं, उस तरह के जो गांव की स्पेशल चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपके लिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग नया हुनर शुरू करना चाहते हैं, खासकर कि अब अपने परंपरागत काम को तो करते हैं, जो कुछ लोग नए अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई या कुछ ऐसा एग्जीबिशन लगाया गया, जागरूकता अभियान? ऐसी एग्जीबिशन हमारा मंत्रालय लगाता रहता है समय समय पर देश के विभिन्न, ये सरस जो आज यहाँ पर IITF में हो रहा है, इसके अलावा हर राज्य में सरस मेला लगाते हैं हर राज्य में, और वहाँ पे भी राज्यों में भी उनको ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। जैसे कि हर साल यह प्रोग्राम सरस मंडप लगाया जाता है, इस बार क्या खास है इस मंडप में? ये पिछले 21 सालों से लगा रहे हैं हम, और विभिन्न कलाकार यहाँ पर आते हैं, विभिन्न लोग यहाँ पर आते हैं, और सबसे जो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये सीधे बायर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है और उस हिसाब से अपने उत्पादों में मॉडिफिकेशन लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थी हमारे साथ सारस के लाइवलीहुड की निदेशक अनिता बघेल जी, जिन्होंने बताया कि सारस किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के ग्रामीण कलाओं के विकास के लिए काम करता है, किस तरह से ग्रामीण की जो बुनियादी कला है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो परंपरागत काम है, जो परंपरागत काम चलते हैं, उनके विकास के लिए जो काम करता है। ये पूरा मंडप उसी लिए सजाया गया है, पूरे मंडप में ग्रामीण कलाओं को विकसित करने के लिए जो पूरी तरह से व्यवस्था की गई है इस सरस मंडप पे, पूरे 21 साल से लगाया जा रहा है और हर बार की तरह इस बार भी इसमें कुछ विशेष रूप से भी काम किया गया है। आइए और हम बात करते हैं सरस पे कुछ ऐसे विजिटर्स से जो लगातार कई सालों से यहाँ पर आते हैं और यहाँ की चीज़ों से प्रभावित होते हैं, यहाँ से सीखते हैं और यहाँ की कला को प्रोत्साहित करते हैं। तो सर क्या कहेंगे इस आर्ट के बारे में, ये जो सरस लगा हुआ है, बहुत सारे कलाओं को यहाँ प्राथमिकता दी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों की खासकर कलाएँ यहाँ पर? जी, सरस के बारे में, सरस पहले नहीं था क्योंकि ये 72 से मैं मेले पर आ रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मैदान में जो मेला लगा था उसमें, लेकिन सरस पहले नहीं था, लेकिन जब से सरस लगना शुरू हुआ है खासतौर से जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है, उड़ीसा के कोऑर्डिनेटर यहाँ पर भी है, रजिस्ट्रेशन डेस्क पर है, मार्क पे जो हार्ट बने हुए हैं उनमें मिलती है और उनके अंदर उनके दाम, अगर किसी कारीगर ने वो 10 रुपये की बनाई है तो वहाँ पहुँचते पहुँचते वो करीब 500 रुपये की हो जाती है। और ये जो फ़ायदा है हमें, ये जो सरस का यहाँ का जो फ़ायदा है, जिस हमारे सामने बना के लाते हैं कारीगर, वो कारीगर यहीं पे उसको बेचते हैं और कस्टमर को उसका बहुत फ़ायदा होता है, और सारी तकरीबन सभी चीज़ें जो घर में काम आने वाली है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सरस के नियमित ग्राहक जो लगातार कई सालों से सरस पर आते हैं और यहाँ पर सामानों को खरीद कर अपने घर को सजाने का काम करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की कलाओं को विकसित करते हैं।